दोस्तों आजकल वेडिंग फोटोग्राफी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और हर कोई अपने सुंदर से मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता है। और फोटोग्राफी तो आजकल ऐसी चीज़ है कि आप कैमरा मोबाइल पर अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसका कैमरा अच्छा होना चाहिए। मेरी तो रिक्वायरमेंट यही रहती है कि भाई इसका कैमरा अच्छा होना चाहिए ताकि फोटोग्राफ्स अच्छे आएँ। और इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ कई बार हम लोग फिल्टर्स भी यूज़ कर लेते हैं और आजकल तो कैमरा में इनबिल्ट फिल्टर्स आते हैं ताकि आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएँ। तो ये फ़ोटोग्राफ्स ऐसी चीज़ होती हैं जो कभी भी पुरानी नहीं होती। जब भी आप देख लें अपनी फ़ोटोग्राफ 20, 30, 40 साल पुरानी, आपको वो समय याद दिला देती हैं कि वो कब फ़ोटो खींची थी, कब ऐसा हुआ था, वो पूरा रिकॉल हो जाता है। ऐसे में बड़े सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो आज उन्हीं में से एक मोमेंट है वेडिंग फोटोग्राफी का। जी हाँ, वेडिंग जब होती है ना तो हर लड़की का, हर लड़के का वो डी डे होता है और उसको वो ऐसा कैप्चर कराना चाहता है कि बस वो उसके लिए एक यादगार लम्हा बन के रह जाए। ऐसे में वेडिंग फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हैं शुरू, उसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं, कौन सा कैमरा आपके लिए अच्छा रहेगा, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने वाले हैं। हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और बताइएगा आप किस तरह के वीडियोज़ और देखना पसंद करेंगे बिजनेस को लेकर। आजकल देखते हैं कि हर कोई मोबाइल से फोटो खींचकर फोटोग्राफर बन जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ऐसा काम करना होगा जो मालूम हो सके कि वास्तव में ये पेशेवर फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी कहाँ से सीखे? फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए आप फोटोग्राफी में कराया जाने वाला कोर्स या डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको 12वीं या ग्रेजुएट होना चाहिए। वैसे तो बड़े बड़े महानगरों में और शहरों के कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाने का कोर्स कराए जाते हैं। ये कोर्स थोड़े महंगे अवश्य होते हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं। एक बार कोर्स करने के बाद आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। अगर आप उनकी फीस वहन कर सकेंगे तो आपको उन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। इन कोर्सेज की खास बात यह है कि यहाँ पर केवल फोटोग्राफी ही नहीं सिखाई जाती बल्कि साथ ही वीडियोग्राफी भी सिखाई जाती है जो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत काम आती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस कोर्स को कर लें। इससे कैमरे और वीडियो कैमरे से काम करने की सारी बारीकियां सीखने को मिलेंगी जिससे आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। कितने तरह के कोर्स होते हैं और कितनी फीस लगती है? फोटोग्राफी में करियर के लिए आप फोटोग्राफी में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्स कर इस सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि 3 से 6 महीने की होती है। इसकी फीस 40 से 50 हजार रुपए की होती है। डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 वर्ष का होता है। इनकी फीस 50 से 80 हजार रुपए प्रति वर्ष तक जा सकती है। बैचलर डिग्री की अवधि 3 वर्ष होती है। इसकी फीस 50 से 80 हजार के आसपास रहती है। यदि आप इन महंगे कोर्स की फीस वहन नहीं कर सकते और अगर आपका बजट कम है फिर भी आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने शहर के किसी प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर के पास जाएं और उससे कहें कि आप उसके साथ फ्री में काम करना चाहते हैं। आप फ्री में उसके सहायक के तौर पर काम कर सकते हैं। वो आपको मना नहीं करेगा क्योंकि फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है। इसके बावजूद अगर एक व्यक्ति मना करता है तो आप दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। उसके साथ असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा किए जा रहे काम पर भी आप नजर रखें। इस तरह काम करते हुए 4 से 6 महीने में आप उसके साथ रहकर पूरा काम सीख जाएंगे। इसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कितनी आएगी लागत और कैसे करें कमाई? अब आप सबसे पहले ये जान लें कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें कितनी लागत आएगी और उसमें कितनी कमाई हो सकती है। एक तो ये है कि आप यदि अपना स्वयं का स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। इसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। यदि आप बड़ा स्टूडियो नहीं बनाना चाहते तो आपको केवल एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां कंप्यूटर के माध्यम से फोटो बनाएं। यदि ये भी नहीं बनाना चाहते और प्रोफेशनल डेवलपर से अपनी फोटो बनवाना चाहते हैं तो आपको कैमरा, लाइट, लेंस आदि खरीदना होगा। कैमरा, लेंस, लाइट आदि की कोई क्षमता नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से कैमरा, लाइट आदि खरीद सकते हैं। अब बात आती है कमाई, तो आपके क्षेत्र के लोगों की क्षमता और आपकी कलाकारी पर ये निर्भर करता है। कम स्किल वाले फोटोग्राफर गांव देहात में अच्छी तरह से चल जाते हैं, उनकी वहाँ अच्छी कमाई हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि गांव देहात में फोटोग्राफर कम होते हैं और काम ज्यादा, लेकिन शहरों में ये काम स्किल पर होता है, यानी जिसका काम जितना अच्छा उसके उतने ग्राहक। यदि आप स्वयं का स्टूडियो खोल रहे हैं तो आप 1 लाख से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20 से 35 हजार रुपए प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। यदि घर से ही काम करना चाहते हैं तो आपकी आय सीमित रह सकती है। यहाँ सीजन में अच्छी हो जाएगी और ऑफ सीजन में आपको स्वयं काम खोजना होगा। कौन कौन सी जरूरी चीजें खरीदनी होंगी और अच्छी फोटोग्राफी के लिए क्या करना होगा? जब आप पहली पायदान पूरा कर लेंगे यानी फोटोग्राफी सीख लेंगे तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास कैसे कैसे कैमरे होते हैं। हर काम के लिए अलग कैमरा होता है। प्रोग्राम के हिसाब से कैमरे का चयन करना बहुत बड़ी कला है। इसमें आप चूक गए तो फिर आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा।
जैसे अगर प्रोग्राम ज्यादा भागदौड़ वाला है तो मतलब अगर आपको भागते दौड़ते हुए फोटो लेनी है तो आपको ऑटो फोकस वाले कैमरे को यूज करना होगा, और इस प्रोग्राम में जहाँ पर ज्यादा चलना फिरना ना पड़े DSLR कैमरे का इस्तेमाल करना होगा। बड़े अपर्चर वाले लेंस भी साथ में रखें जिससे कि कम लाइट में भी आप बढ़िया फोटो खींच सके। पोर्टेबल LED लाइट, एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा कार्ड और स्मॉल टूल हमेशा बैग में रखना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप कौन सा इवेंट शूट करने जा रहे हैं। जैसे शादी या बर्थडे पार्टी अलग होती है, शादी हो तो कपल और उनके घर परिवार के खास लोग और खास मेहमान के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। यदि बर्थडे पार्टी है तो जिसका जन्मदिन है उसकी जानकारी के अलावा उनके घर वालों के अलावा खास मेहमानों के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और सभी को सही तरीके से कवर करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट मेंबर छूट ना जाए। सक्सेसफुल फोटोग्राफी बिजनेस के लिए वेबसाइट जरूर बनाएं। वेबसाइट में अपने बिजनेस से जुड़ी जानकारियां डालें, साइट में अपने द्वारा खींची गई सबसे अच्छी तस्वीर भी डालें, सोशल मीडिया पर भी अपने बिजनेस का पेज बनाएं, यहां भी तस्वीरों को शेयर करें। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये काम करें। यदि आप केवल फोटोग्राफी ही करना चाहते हैं तो जब तक आपके पास शादी ब्याह रिसेप्शन जन्मदिन संस्थान के उद्घाटन आदि के ऑर्डर मिलते रहें तब तक उनमें काम करें, और जब लगे कि ये सारे काम नहीं मिल रहे, अपने लिए सीजन ऑफ हो चुका है, तो अपने फैशन फोटोग्राफी की ओर कदम बढ़ाएं। यदि आप फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी करना चाहते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा, क्योंकि ज्यादातर हर कार्यक्रम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी साथ साथ कराई जाती है। इसके लिए आपको एक सहायक रखना होगा, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, इससे आपके बिजनेस को दुगना लाभ होगा। दूसरा, आपको लगातार काम मिलता रहेगा। जो व्यक्ति केवल फोटोग्राफी करना चाहता है उसके यहाँ भी आप काम कर सकते हैं जो केवल वीडियोग्राफी करना चाहता हो। जहाँ दोनों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी वहाँ पर तो आपको दोहरा काम मिलेगा, इससे आपकी कमाई भी बहुत ज्यादा होगी। इस बिजनेस की डिमांड पूरे साल रहती है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता। हमारे देश में आज भी अच्छे वीडियोग्राफर की कमी है। अच्छा वीडियोग्राफर बनने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये काम सीख लेते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियोग्राफी केवल वीडियो शूट करना ही नहीं होता है, बल्कि एडिटिंग, सिलेक्शन ऑफ सीन आदि जैसे महीन कलाकारी सीखनी होती है। तो देखा आपने, हमने शायद सब कुछ कवर कर लिया कि आप कहाँ से वेडिंग फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, कैसे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिएगा, हम यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और हमारा जो ये जो रिलेशन है ना, ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसी का अपना एक बिज़नेस हो। और ये वेडिंग फोटोग्राफी का तो आई थिंक एक पैशन है, पैशन होता है कईयों को कि भैया मुझे फोटोग्राफर बनना है। और मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अच्छी खासी अपनी नौकरियाँ छोड़कर फोटोग्राफी कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि फोटोग्राफी का दायरा सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम गए हैं कहीं पिकनिक पे फोटो खींच दी, ट्रिप पे गए हैं फोटो खींच दी, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो चलिए इस पे गौर कीजिएगा, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।